बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन और उसकी पत्नी कुसुम रहते थे। मोहन के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में काम किया करता था और कुसुम घर पर ही रहकर घर का काम किया करती थी। मोहन और कुसुम के दो बच्चे थे, बेटे का नाम मोनू और बेटी का नाम मोनी था। मोहन और कुसुम हमेशा मोनू को ही प्यार करते थे और मोनी पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। एक दिन मोहन को शहर के एक स्कूल में नौकरी मिल गई, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर शहर चला गया। यहाँ वैसे तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर मैं मोनू के स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसका एडमिशन भी तो करवाना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं जिस स्कूल में नौकरी करता हूँ वहाँ मैंने बात कर लिया है। मैं वहाँ नौकरी करता हूँ इसलिए एडमिशन हो पा रहा है, वरना यहाँ तो एडमिशन करवाना बहुत ही मुश्किल का काम है। हाँ, पर एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता है वहाँ। तो क्या हो गया, हम वहाँ मोनू का एडमिशन करवा देंगे। और मैं कौन सी स्कूल में पढ़ूंगी माँ? ओहो, देखो तो बड़ी आई पढ़ाई करने वाली, पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू। जाकर रसोई में काम कर, एक दिन तुझे दूसरे के घर ही जाना है, समझी? मोनी बहुत रोती है, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ दिनों बाद मोनू अपने नए स्कूल में जाना शुरू कर देता है। एक सुबह मोनू अपने स्कूल के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी मोनी उसके कमरे में आती है। ये देख, मेरी नई ड्रेस, नए बैग और नई नई किताबें। तुझे पता है मेरा स्कूल बहुत बड़ा है और वहाँ बहुत सारे झूले हैं। कितना मजा आता होगा ना स्कूल में, मैडम कितना अच्छा पढ़ाती होंगी। चल पागल, पढ़ना किसको अच्छा लगता है, मैं तो वहाँ बस अपने दोस्तों के साथ खेलने और झूलों पर झूलने जाता हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया, तुम्हें पता है पापा तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा कितनी मेहनत से उठाते हैं। मैंने तुझे जो भी कहा वो किसी को भी मत बताना, नहीं तो मैं तेरी शिकायत मम्मी से कर दूंगा और तुझे तो पता ही है मम्मी तेरी क्या हाल करेंगी। तभी वहाँ कुसुम आ जाती है। कितनी देर हो गई मोनू, चलो अब जल्दी स्कूल जाओ वरना बस निकल जाएगी। मोनू स्कूल के लिए चला जाता है। मोनी पूरे दिन अपने माँ के साथ घर के कामों में लगी रहती है। उसे स्कूल ना जाने का बहुत दुख होता था, पर वो कर भी क्या सकती थी। एक रात मोनी को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो खिड़की पर खड़ी हो जाती है और बाहर की ठंडी हवाएं ले रही होती है। मोनी खड़ी खड़ी स्कूल के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी उसे आवाज आती है। अरे ये इतनी रात में बच्चों की पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? मोनी और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। चलो बच्चों, सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो, आज मैं तुम सबकी नोटबुक चेक करूंगी। अरे ये तो किसी टीचर की आवाज लग रही है, लगता है वो बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन इतनी रात में कौन पढ़ाता है। मोनी इधर उधर देखती है तो थोड़ी दूर पर उसे एक स्कूल दिखती है जिसके एक खिड़की से लाइट आ रही होती है और उसी खिड़की से बच्चों और टीचर की आवाज भी आ रही होती है। अच्छा तो ये आवाज यहाँ से आ रही है, लेकिन इतनी रात में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मोनी बिना डरे स्कूल के पास जाती है और बिना कुछ सोचे समझे स्कूल के अंदर चली जाती है। अंदर एक अजीब सी शक्ल की औरत बैठी होती है। तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है और तुम अभी तक यहीं हो? चलो जल्दी क्लास में जाओ और कल से लेट मत आना। मेरी क्लास? पर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। मोनी ऊपर जाती है तो वहाँ एक और अजीब सी शक्ल की मैडम उसे मिलती हैं। अरे तुम अभी तक यहीं हो, चलो जल्दी क्लास में जाओ वरना मैं बहुत गुस्सा होंगी। लेकिन मैं तो यहाँ। तुम बहुत बातें बनाती हो, चलो अब जल्दी क्लास में जाओ।
मोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो पहली बार स्कूल आई है और सब लोग उससे ऐसे बातें करते हैं जैसे वो सालों से इसी स्कूल में पढ़ती हो। मोनी क्लास में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ एक चुड़ैल टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है और सारे बच्चे भी भूतिया होते हैं। मोनी जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और तुम शोर मचा रही हो। चलो अब अपनी सीट पे बैठ जाओ और कल से लेट मत आना। मोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो इतना डर जाती है कि उसकी हिम्मत वहाँ से भागने की भी नहीं हो रही होती। मैंने बोला ना अंदर आ जाओ, अब तुम बाहर ही खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही हो। जी मैडम। मोनी चुपचाप एक सीट पर बैठ जाती है। उस पर पहले से ही एक नया बैग, उसमें नई नई किताबें, नई कॉपी, नई बोतल और बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे वाह, ये कितना सुंदर है। हाँ ये सब तुम्हारे हैं। चलो अब जल्दी से कॉपी किताब निकालो और तुम ही बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई करो। मोनी अपने बैग से कॉपी किताब निकालती है और बाकी भूतिया बच्चों के साथ ही पढ़ने लगती है। चुड़ैल टीचर बच्चों को बड़े ही प्यार और अच्छे से पढ़ा रही होती है। मोनी अपनी पढ़ाई में इतना खो जाती है कि कुछ ही देर में उसका डर अपने आप गायब हो जाता है। मोनी पूरा ध्यान लगाकर चुड़ैल टीचर का पढ़ाया हुआ समझ रही होती है और उसे बहुत मजा आता है। क्लास खत्म होने के बाद चुड़ैल टीचर सबको मिठाई भी देती है। थैंक यू मैडम। कल से लेट मत आना, फिर तुम्हें रोज मिठाई मिलेगी। ठीक है मैडम। इस बात का ध्यान रखना, तुम कभी किसी को इस स्कूल के बारे में मत बताना वरना कोई तुम्हें यहाँ नहीं आने देगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मोनी की स्कूल की छुट्टी सुबह 4 बजे हो जाती है और फिर वो चुपचाप जाकर अपने घर सो जाती है। मोनी अगले दिन किसी को भी रात के बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे डर होता है कि यदि उसने किसी को बता दिया तो वो उसे उस भूतिया स्कूल में नहीं जाने देंगे। मोनी इस डर से किसी को भी भूतिया स्कूल वाली बात नहीं बताती। मोनी को तो सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है, उसे पढ़ने का इतना शौक होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आधी रात को उसे भूतिया स्कूल में जाना पड़ता है और वहाँ सारे पढ़ने पढ़ाने वाले भूत और चुड़ैल हैं। मोनी रात के 12 बजने का इंतजार करती है और जैसे ही 12 बजते हैं वो फिर से उस भूतिया स्कूल में चली जाती है और वहाँ वो बहुत मन लगाकर पढ़ती है। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है और कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ मुझे भी पढ़ने में बहुत मजा आता है। लेकिन तुम सब भूत चुड़ैल कैसे बन गए और सारे टीचर्स भी? एक दिन इस स्कूल में आग लग गई थी और उसमें बहुत सारे बच्चे और टीचर जलकर मर गए थे। तब से ये स्कूल बंद है और सभी से भूतिया स्कूल कहते हैं और यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए हम सभी भूत और चुड़ैल यहीं पे पढ़ाई करते हैं। मोनी रोज रात को उस भूतिया स्कूल में जाती और सारे भूतिया बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ाई करती। कभी कोई चुड़ैल टीचर उन्हें पढ़ाती तो कभी कोई चुड़ैल टीचर, पर सारे ही चुड़ैल टीचर बहुत ही अच्छी होती हैं और सारे बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। मोनी को उस स्कूल में पढ़ते पढ़ते काफी साल हो जाते हैं और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो एक भूतिया स्कूल में पढ़ने जाती थी। मोनी और मोनु अब काफी बड़े हो गए थे। मोनु इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी नालायक होता है जबकि मोनी बहुत ही अच्छी और समझदार होती है। एक दिन कुसुम और मोहन मोनु पर चिल्ला रहे थे, मैंने अपना सब कुछ तेरी पढ़ाई पर लगा दिया और तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे पास अब एक पैसे नहीं बचे जो मैं तेरे पढ़ाई पर लगा सकूं। आपने मेरे ऊपर पैसे लगाकर कोई एहसान नहीं कर दिया है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना। थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ तो इसमें इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो।
भगवान, इस लड़के को तो जरा भी शर्म नहीं आती। मोनू पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं देता और ऊपर से वो दिन पर दिन और बदमाश होते जा रहा था। उसने पैसे चुराने भी शुरू कर दिए थे। एक दिन मोहन और उसका परिवार मोहन के एक दोस्त के घर पार्टी में जाते हैं, तो मोनू वहां भी चोरी करने लगता है, लेकिन मोहन का दोस्त उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये तुम्हारा ही बेटा है ना, देखो तो मेरे ही घर चोरी कर रहा है। उस दिन पार्टी में मोहन के स्कूल के मालिक भी आए हुए होते हैं और जब अगले दिन मोहन स्कूल जाता है तो वहां से उसे निकाल दिया जाता है। सर, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है? मैं चोर के बाप को नौकरी पर नहीं रख सकता, समझे तुम? मोनू की हरकत की वजह से मोहन की नौकरी चली जाती है। कुछ ही दिनों में वे लोग सड़क पे आ जाते हैं और उनके घर में खाने को कुछ नहीं बचता। मोनी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वो आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है और अपने घर का खर्चा चलाने लगती है। जब ये बात मोहन और कुसुम को पता चलता है कि उनकी बेटी मोनी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, तो उन्हें बहुत ही हैरानी होती है। पर मोनी तो कभी स्कूल ही नहीं गई, फिर वो दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? मैं भी यही बात सोच कर परेशान हूँ कि आखिर ये सब कैसे हुआ। एक दिन मोहन और कुसुम मोनी से ये बात पूछते हैं, लेकिन वो बताने से इनकार कर देती है कि उसने आखिर इतनी पढ़ाई कैसे की। कुसुम मोनी के पीछे ही पड़ जाती है और मोनी को सब सच सच बताना पड़ता है कि उसने अपनी पढ़ाई कैसे की। मोनी की बात सुनकर कुसुम और मोहन दोनों दंग रह जाते हैं। तुम पढ़ने के लिए उस भूतिया स्कूल में जाती थी, ये सब हमारी गलती है, हमने कभी तुम्हारी पढ़ाई को अहमियत नहीं दी और तुम्हारे अंदर पढ़ने की इतनी लगन थी कि तुम आधी रात में भी उस भूतिया स्कूल में जाने लगी। हमने अपना सब कुछ उस लड़के पर बर्बाद कर दिया जिसने हमारी इज्जत तक को मिट्टी में मिला दी, हमें माफ कर देना बेटी। मोनी उसके बाद कभी उस भूतिया स्कूल में नहीं जाती और वहाँ के टीचरों का दिल से धन्यवाद करती है।